अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंगूरी जी, कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हमारे हस्बैंड्स को देखिए, आज 10 दिन हो गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। सच्ची, ये लोग को ना सुबह के भूले ना ही हैं, ये तो बहुत ही लंबे भूले हैं। हमको तो लगता है ये दोनों यही भूल गए हैं कि हम पत्नियां इंतजार कर रही हैं। वैसे भाभी जी, अच्छा हो आपको भूल गए। कम से कम तिवारी सेठ जैसे काइयां और लीचड़ इंसान से आपको छुटकारा तो मिलेगा। चुप कीजिए टिल्ली भैया, इकान आप सनाप बोले जा रहे हैं। हम सपने में भी ना ही सोच सकते हैं कि हम लड्डू के भैया से अलग हों। अरे दो कौड़ी के इलिटरेट अनकल्चर्ड सारे, भाभी जी को हट कर दो तूने। अबे वो अतपा के अंग्रेज की औलाद, भाभी जी को हट करने का मेरा कतई इरादा ना था। वो तो तिवारी सेठ मेरी 6 महीने की तनख्वाह ना दे रही है, इसलिए मैं तपा बैठा हूँ और मौका मिलते गलिया देता हूँ यार। ओ सुन, गलिया ना छोड़, वो देख भाभी जी की प्लेट को रिफिल कर दे, भर दे सारे, कड़ी चावल डाल दे मामे। चटनी भी ला। अंगूरी जी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो अभी तक घर वापस नहीं आ रहा। डालो डालो, एक और डालो, ऑर्डर। हाँ डालो ना, हमरा शक्ल का देख रहे हैं। भागो यहाँ से। बताइए। मैं सबको मारेंगे हमको, भागो यहाँ से। आप कुछ बोल रही थी अनीता जी। हाँ मैं यही कह रही थी, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो वो घर ही वापस नहीं आ रहा है। भाभी जी, मुझे लगता है विभूति भैया जो है ना नौकर बने नहीं रहना चाहते आपके, इसलिए घर पे वापस नहीं आ रहे हो। एक बात बताओ, उसके पास घर का नौकर बने रहने के अलावा ऑप्शन ही क्या है? उसकी लाइफ में बाहर की कोई नौकरी टिकेगी तब तो घर की नौकरी से बचेगा ना। सच्ची ओ ना भरभूति जी, अपने आप को कुछ ज्यादा ही डोरमेट समझते हैं। अनीता भाभी तो उन्हें डोरमेट की तरह ही यूज करती है। शट अप टिल्लू, आप ओवर स्मार्ट कहना चाह रही थी शायद। ऐसा ही पकड़े हैं, हाँ, कछु ज्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। और एक हमरे हैं पतिदेव, हाँ अम्मा जी बिल्कुल ठीक बोलती है उनको, वो बैल हैं एक नंबर के और उनका बुद्धि बैल बुद्धि है। हाँ सच्ची, विभु भी ना अपनी अकड़ में रहता है, अभी भी पक्का वो अकड़ में ही होगा कि मैंने उसको घर से बाहर कैसे निकाल दिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सच्ची भाभी जी, मेरे हाथ की बनी हुई चटनी खाओ, दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे। अभी तो मुंह क्या देख रहा है, आके देके जाना प्लेट में। चल टीका लाओ ना जल्दी। हाँ भाभी ला ला। क्या क्या डाल के आए, हमरा भी दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ऑर्डर। चल फूट यहाँ से। कितना तीखा और मसालेदार है, लेकिन हम रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। सच में पहली बार ऐसा खाना देखा है जो खा खा के तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी और मांगे जा रहे हैं। सच्ची, और ला चटनी। सक्सेना जी नाश्ता लेके आने वाले हैं, तो इसमें विचलित होने की क्या बात है? विचलित होने की बात है, कहीं कॉर्नफ्लेक्स की जगह कॉकरोच फ्लेक्स खिला दिए ना तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करें, आप कुछ कर नहीं सकते। हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे कि मैं आप लोगों को कॉकरोच फ्लेक्स खिला दूंगा। ऐसा है भैया, जिस तरह के नाश्ते की बात आप लोग कर रहे हैं ना, उस तरह का नाश्ता मेरे जैसा डिग्निफाइड क्वालिफाइड सर्टिफाइड पगलेट कम आयुर्वेदाचार्य ही कर सकता है, और मेरी वाली कोई भी क्वालिटी आप लोगों में है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। आई लाइक इट। तो भैया, जब मेरी वाली क्वालिटी आप लोगों में है ही नहीं तो मेरा वाला नाश्ता कैसे कर सकते हैं आप लोग, है ना? ये बात भी सही है। इसलिए एकदम आप लोगों की औकात के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लाया हूँ। ओके, तो पेश है भैया लोग ये उबला हुआ गाजर, ये उबली हुई भिंडी, उबला हुआ आलू, उबला हुआ पानी। ओहो, अब ये उबला हुआ खाना देखकर तो हमारा खून उबल रहा है। नहीं भैया बिल्कुल नहीं, आप लोगों को अपना खून उबालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही नाश्ता यही खाना आपके लिए सही खुराक है। सक्सेना जी, एक काम करिए कि क्या है, जो उबला हुआ खाना ना
इसमें हल्की सी वो अपना लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब डाल के ना उसको हल्का सा फ्राई कर दीजिए, खाने लायक हो जाएगा, स्पाइस अप हो जाएगा खाना। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं भैया, आप दोनों ना अपने मुंह में एक एक करके इस उबले हुए खाने को रखिए, हैं? उसके बाद इस खाने को ना अपने मुंह में होल्ड करिए, ओके? उसके बाद मैं आपके हाथ में ये नंगी तारें पकड़ा दूंगा और जो स्विच है उसको ऑन कर दूंगा, हैं? तो क्या होगा कि ये जो उबला हुआ खाना है ये आप दोनों के मुंह में फ्राई हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग उबला हुआ खाना खाने से बच जाएं। नहीं, हम लोग उबला हुआ खाना खा लेंगे। खा लेंगे? भैया ये आपका सूप, भैया ये आपका सूप। ये हमारा सूप आपके सूप से अलग है ना? एब्सोल्युटली भैया। ऐसा भैया कि मैं अपने मरीजों के साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करता हूँ। पीजिए। क्या हुआ? इसमें तो मक्खी है। ये जरूर गलती से चंपा ने मक्खी आपके सूप में डाल दी। चंपा कुक है आपकी? नहीं भैया, मेरी छिपकली है वो। चंपा मेरी पालतू छिपकली है वो। एक्चुअली बात ये है ना कि वो जब मक्खी को खाने के लिए जा रही होगी ना, उसके मुंह से ये मक्खी फिसल गई और आपके सूप में गिर गई। वो चक्कर ये है कि चंपा ना जब मक्खी खा लेती है ना, उसके बाद भैया इतना अच्छा स्वाद देती है, इतना अच्छा लगता है सूप में, क्या बताऊँ। डोंट वरी, आप मुझे दिए, मैं इस मक्खी को अपने सूप में डाल लेता हूँ काली मिर्च की तरह। हाँ, ये अब नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।